हो गई है कुर्बानी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। रेडी भी हो चुका हूँ पूरा, तो अभी आके फिर बकरे को ज़बह करेंगे, निकलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तैयारी भी हो चुका हूँ, जल्दी से चप्पल पहनते हैं और निकलते हैं। तो निकलते हैं बाहर और मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट मस्जिद पहुँच के। आ चुके हैं नमाज पढ़ के, अभी जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं फिर अपना बकरा नीचे उतारते हैं, जो कसाई भी वेट कर रहे हैं तो नीचे उतारते हैं कपड़े चेंज करके बकरे को। तो ये बैठा हुआ खड़ा हुआ जल्दी से, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो इसको अब इसका आखिरी गाना देते हैं, पहले पत्ते फिनिश कर दिए। तो चारा खिलाने के बाद इसको पानी पिलाएंगे फिर इंशाल्लाह इसको नीचे लेके जाएंगे। तो अब बारी आ गई है इसकी बाल्टी और दरी, मैं नीचे लेके जाता हूँ, बाकी भाई इसको भाई बकरा ले आएंगे, मैं उतरता हूँ ये सब चीज़ें लेके फिर आपको मिलता हूँ, क्योंकि दोनों हाथ में सामान होगा वो ब्लॉग नहीं बना पाऊँ, तो नीचे उतर के मिलता हूँ आपसे। तो आ चुका है बकरा नीचे, अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं कुर्बानी। तो अभी काटने आ रहा है बकरा, दिखाता हूँ आपको। हो गई है कुर्बानी, अब काम में लग जाऊंगा, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। अभी पूरी जगह खाली हो गई, ये मेरे सबसे पहले वाले बकरे की तरह है, कुछ भी नहीं करता, इतने बड़ा था मगर कलर भी ऐसा था सेम टू सेम। यहाँ का मौसम पूरा ही चेंज हो जाएगा पीछे का, बिल्कुल ही टाइट बारिश वाला मौसम हो गया। तो अभी सुबह का नाश्ता आप कर रहा हूँ मैं जाके, 10 बजे शुरू करते हैं नाश्ता करने, नाश्ता करने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता करके आया हूँ, और गायें कट रही हैं यहाँ पे,
तो कहेंगे भी वहीं देखिए। तो मैं सारा काम करने के बाद सो गया था। इस ब्लॉग को अब ये भी खत्म करते हैं। चला वो लाइक करेगा, सब्सक्राइब भी कर देगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।